गोविंदगढ़ में पेयजल संकट, नहीं आ रहा नलों में पानी। जी हां, आपको बता दें, चोमू ग्राम गोविंदगढ़ के खादी आश्रम एवं मथुरा का मोहल्ला व मस्जिद मोहल्ला पुंगली आदि जगह पिछले 20 दिन से नलों में पेयजल की सप्लाई नहीं हो रही, जिसके कारण पानी का संकट गहरा रहा। कांग्रेस के अध्यक्ष महेश कुमार शर्मा एवं वार्ड पंच सद्दाम तेली ने बताया कि पिछले 20 दिन से नलों में पेयजल की सप्लाई नहीं हो रही। लगभग 500 नल कनेक्शन है, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल पर भी कर दी एवं जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीण छोटूलाल खटीक, सद्दाम तेली, बबलू कुमावत आदि ने बताया, पेयजल संकट की वजह से पानी के टैंकर मंगवाने पर मजबूर। संदर्भ में ग्राम पंचायत प्रशासन एवं जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि शीघ्र ही समस्या का समाधान नहीं किया तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दे दी। 20 रोज से बिल्कुल भी नहीं आ रहा, एक बूंद भी नहीं आ रही है। पुंगली और बुनकरों का मोहल्ला थाने के पास पानी की इतनी किल्लत है जिसकी कोई हद नहीं है। न तो सरपंच सुन रहा है, न यहाँ का प्रशासन सुन रहा है। कोई को किसी की चिंता नहीं है। गरीब जनता मर रही है पानी के लिए। न कोई टैंकरों की व्यवस्था हुई है अभी तक। खादी आश्रम के मोहल्ले में अभी एक भी टैंकर नहीं आया पानी का, और परेशान है पूरी जनता, परेशान है।